नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल BL क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीखेंगे। जैसे देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, जिसमें जिस समीकरण सबसे अधिकतम घात दो होते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, इसमें सी के यहाँ तो कोई पद नहीं, यहाँ यक्स यहाँ इसको देखिए, उदाहरण देखिए, इसका मानक रूप है, मानक ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसको हल करने की सबसे अच्छी विधि होती है गुणनखंड विधि। ये देखिए, इसकी अधिकतम घात दो है, इसलिए द्विघात समीकरण। इसकी घात एक होती है, यहाँ पर कोई घात नहीं है। अब इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि सबसे अच्छी होती है, और इस गुणनखंड विधि में बीच वाले पद को हम जोड़ते हैं। ये देख लेते हैं, यह और यह, इसके पास एक है तो इसका फोर वन या फोर, यानी चार में एक का गुणा करेंगे तो चार होगा। तो बीच वाले पद को हम ऐसे जोड़ते हैं कि इन दोनों का गुणा करने पे चार मिले, अरे इन दोनों को गुणा करने पे चार हो जाए, और जोड़े पाँच। देखिए यहाँ, जैसे यह एक्स स्क्वायर है, बीच वाले पद को ही हम बांटते हैं, चार लिख लिए बराबर जीरो, बीच वाला पद हमारा पाँच है। पाँच को ऐसा गुणनखंड करें कि जो गुणा करने पर चार आ जाए, जोड़ने पर पाँच, तो हमारा हो जाएगा फोर प्लस एक, फोर रंजा फोर, यानी चार एकम चार, और चार और एक पाँच। इसको हम गुणा करके लिख लेते हैं, यहाँ जाएगा चार एक्स प्लस एक एक्स प्लस चार बराबर जीरो। इसमें देखिए, अब इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं दो भाग में, इसमें एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ चार बचेगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो एक ले लेंगे, एक्स प्लस चार जीरो। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस चार एक कोष्टक में, और एक्स प्लस एक एक कोष्टक में, यह बराबर हो गया जीरो। अब इसके दो ही घात है तो इसको दो ही मान निकलेंगे। यदि यहाँ लिखेंगे, यदि एक्स प्लस चार बराबर जीरो, तो एक्स बराबर यहाँ से हमारा माइनस चार हो जाएगा। फिर यदि एक्स माइनस एक्स प्लस जीरो, एक्स बराबर माइनस एक, इसके दो उत्तर आ गए, एक्स बराबर माइनस चार और माइनस एक। द्विघात समीकरण, आइए समझते हैं एक और उदाहरण के माध्यम से इसको। दो एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। देखिए, इसमें यह इस पद का और इस पद का हम गुणा करेंगे तो दो गुणे तीन बराबर छः हो जाता है। तो गुणा करने पर हम बीच वाले पद को ऐसे बांटेंगे कि गुणा करने पे छः आ जाए, इसको पाँच लिख लेते हैं, गुणा करने पे छः आ जाए, जोड़ने पे पाँच, प्लस तीन बराबर जीरो। यहाँ देखिए, यहाँ दो प्लस तीन, दो तीन छः और दो तीन पाँच, तो यहाँ जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस तीन एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। अब इसको इसको एक साथ ले लो, इसमें से दो एक्स है तो दो एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक लिखेंगे, इसमें दोनों में तीन मिलेगा तो यहाँ से एक्स तीन निकल जाएगा तो एक बचेगा, एक्स प्लस एक एक कोष्टक में, और दो एक्स प्लस तीन एक कोष्टक में बराबर जीरो हो गया। और यहाँ लिखेंगे, यदि एक्स प्लस एक बराबर जीरो, तो एक्स बराबर हमारा माइनस एक हो जाएगा। फिर यदि दो एक्स प्लस तीन यह बराबर जीरो है, तो यहाँ से एक्स बराबर माइनस तीन, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। तो एक्स बराबर माइनस एक और माइनस तीन। इस तरह द्विघात समीकरण हल करते हैं। इसमें इस प्रकार की वीडियो और प्राप्त करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए, नई वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।